तुम्हें भी एक किरदार छुपा है, तुम भी एक नायक हो, जो कार्य तुम्हें असंभव लगता है उसको करने के लायक हो। नमस्कार, मु मंदाकिनी। जड़े नेता नायक केमिति बनंती बोध हुए दुईटी शब्दर दमरे, गोटे सेमानक मनरे थिबा पहाड़ परी विश्वास, अन्यटी त्याग बा राष्ट्रपति समर्पण। जड़े राजनेता देश उद्देश्य 9 दिन धरी अन्न परित्याग करी केवल जलाहार कर बंचिबो, गोटे लक्ष्य को पूरण पाई निजे हाथ में झाड़ू धरव। अंततः पक्षे एकविंश शताब्दी में एभली भावना भी विरल, किंतु 2014 रे सरकार को आसिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एभली किछि संकल्प नहींथिले जहाकु ना केवल पूरण करथिले बरं सही संकल्प को नहीं बंचिथिले। प्रथमे स्वाधीनता दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी लाल किलार प्राचीर क्लीन इंडिया उपरे देइथिबा एही अभिभाषण सुनंतु। हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर खड़े हैं, तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतने बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे? ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती है। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? अगस्त 15 ही स्वच्छ भारत भावना जो प्रधानमंत्री मोदी मन को आंदोलित कर झलक देखा मिलता, आउ अक्टोबर 2 अर्थात गांधी जयंती रे स्वच्छ भारत मिशन नारे एक असंभव लक्ष्य आड़ को पाद बढ़ाई थिला सारा देश। निजे प्रधानमंत्री 9 दिन काल व्रत रखी खाद्य ग्रहण न करी स्वच्छ भारत मिशन रो शुभारंभ करथिले, देखु देखु पारे जहां जन आंदोलन रे परिणत हो जायथिला। पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है, मैं जानता हूं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा, हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते? हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे, और यह जिम्मेवारी हम सबकी है। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले, वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है बेरोजगारी से बचने वाला है,
ये गंदगी से मुक्ति ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। वे ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली मैं जानता हूं, लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं। एभली सिंहनाथ सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करथिले स्वच्छ भारत शुभारंभ पाखापाखि 69 मिनिटर राष्ट्र नाम संबोधन रे विजन भी थिला, ओजन भी थिला, उत्साह थिला, चेतावनी भी थिला, आशंका थिला, संभावना भी थिला, संकल्पर जे कोनोसी विकल्प नाही से दिन बेस प्रभावी ढंग से बुझाई देथिले प्रधानमंत्री। मनरे जदि स्थिरता अछि तेबे लक्ष्य आड़कु आहुरी जोरे पाद बढ़ाई हेब बोली से दिन प्रधानमंत्री बार्तारु स्पष्ट हो जाइथिला। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है मां बहनों को जब खुले में जाना पड़ता है, ये कलंक मिटाना है, हम सबने मिलकर के मिटाना है। आज भी कई स्कूल ऐसी हैं कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, ये स्थिति बदलनी है। किसी का इसमें दोष नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है, बस हमने सकारात्मक रूप से भविष्य की ओर देख करके चल पड़ना है। किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी इस आंदोलन जुड़े हुए कोई व्यक्ति न करे, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि सबने काम किया है, हमारे पहले सबने काम किया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसकी सिरमौर रही है, मैं इस काम को वंदन करता हूं। और इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विशेष करके मीडिया को और देशवासियों को कहता हूं, इस सारे आंदोलन को सिर्फ मां भारती की भक्ति से जोड़िए, गरीब से गरीब के स्वास्थ्य से जोड़िए। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सफल हुआ, कौन विफल हुआ, इसके पीछे पड़ करके हम स्थितियों को न बगाड़े, न बदले, हम एक जिम्मेवारी से चले। शक्तिपुंज प्रधानमंत्री से दिन राजपथ रे आग को बढ़ीथिले और वार्ता देथिले उठ जाग्रत हो, स्वच्छ भारत दिगरे बढ़ा गोटे पाद। आउ प्रधानमंत्री को वार्ता सुनी सारा भारत तांको पछरे छिड़ा हुई थिला। दोनों हाथ ऊपर कर करके पूज्य बापू को स्मरण करते हुए मेरे साथ ये शपथ समारोह में आप शरीफ होंगे, और ये शपथ सिर्फ बोलना नहीं है, शपथ लेना है। मेरे साथ बोलिए, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण
यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री को चमकदार गाड़ी काफिला को देखे से दिन मनरे प्रश्न उठीला जे कौन केबे आम देशर सड़क भी एमती चमकिबो आउ एहार जवाब देथिला प्रधानमंत्री को आक्शन। राजघाट रु से वाल्मीकि बस्ती अभिमुखे जिबार थिला किंतु रास्ता मझिरे ही से तांको गाड़ी दिग दिल्ली मंदिर मार्ग थाना आड़क मोड़ी देथिले। जुआड़े देखिले कुढ़ा कुढ़ा अड़िया। मोदी निजे झाड़ू मागिथिले आउ सफेई आरंभ करथिले। ए सबु देखि से दिन थाना रे थिबा पुलिस कर्मी को देहरु रक्त सुखी जाइथिला। मोदी ना कहाँ को डाकिथिले ना कहाँ को आकट करथिले ना किछि कहिथिले। सेतेबेले प्राइवेट मीडिया रो कैमेरा भी सेठी नथिला। सुपर मशीन मोदी को जे सबु आसे तार स्पष्ट वार्ता देथिले पीएम। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो जैसे हो इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती अभिमुखे जाइथिला पीएम का काफिला जेउठी जातिर पिता महात्मा गांधी किछि दिन बितेथिले। पीएम गांधीजी स्मृति साउटिबा सहित जेतेबेले झाड़ू उठेथिले सारा देश हतचकित रही जाइथिला। निजे अळिया फिंगिबा परे ऐतिहासिक राजपथ से दिन आउ एक ऐतिहासिक घटनार साक्षी बनिथिला। प्रधानमंत्री हृदयरु कहिथिले आउ हृदयर कथा सीधा हृदय रे पहुँचिथिला। स्वच्छ एवं निर्मल भारतर संकल्प प्रधानमंत्री अंतर्मन को गंगोत्री सम बनाई देथिला। क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान है, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है, और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है। हम हमारे देश को ऐसा न रखें। गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता? और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है? गांधीजी एवं शास्त्रीजी का नाम बारंबार उच्चारण करी से लोकों को मनरे
सफेर चिंताधारा को एते मात्रा रे भरी देबा को चाहुतिले जे सभा स्थलरु दूरकु जिबा परे भी सेमाने जेमिति स्वच्छ भारत दिगरे निजे ही खुशियार होइछबे। सतकु सत गांधी जयंती रे देशकु अळिया मुक्त करिवार शपथ नैथिले भारतवासी। चाहे मैं हूं या आप हो, हम सबके लिए महात्मा गांधी का क्विट इंडिया ये सफलता जैसे हमें एक आनंद देती है, क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ, इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। मेरे पर भरोसा मत कीजिए, मेरी सरकार पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा हम करें महात्मा गांधी पर, भरोसा करें महात्मा गांधी की त्याग तपस्या और समर्पण पर, भरोसा करें हम महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों पर। और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर हम मां भारती के संतान है तो यह हमारा दायित्व तो बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा, यह हमारा दायित्व तो होना चाहिए। अभी तो स्वच्छ भारत 2.0 भी शुभारंभ कर सारी मोदी, किंतु स्वच्छ भारत अभियान रो प्रभाव एते दूरगामी थिला जे गोटे समय रे मात्र 20% दैनिक बर्ज्यवस्तु भारत रे रिसाइकल होता बेले एबे एहा 70% टपी सारी। लक्ष्य स्पष्ट एवं विश्वास मजबूत थिले, फलाफल केमिति हुए तार यथार्थ उदाहरण हेउची स्वच्छ भारत मिशन। आज तो समय सरी, मोदी मत को यही रखुचु, आसंता काली पुणी देखा हबो आउ एक नुआ अध्याय सहित। रहुचि, नमस्कार।